सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुबह में परमेश्वर ने हमें रात भर संभाला और एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु जी आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जिनमें पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं और अलग होना चाहते हैं, बल्कि अभी भी वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। पति को उसकी पत्नी सही नहीं लग रही हो और पत्नी को उसका पति सही नहीं लग रहा हो, बहुत से कारण होते हैं। हो सकता है एक दूसरे के अंदर उन्हें बहुत सारी कमियां दिखाई दे रही हैं, इसलिए वे डिसीजन ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं, हम एक दूसरे से रिश्ते को ख़त्म कर लें, हम एक साथ नहीं रहेंगे, हम दूर दूर हो जाएंगे, हम अपने लिए दूसरा लाइफ पार्टनर ढूंढ लेंगे, ये सही व्यक्ति नहीं है, इससे मेरी शादी नहीं होनी चाहिए थी, ये मेरे लिए सही नहीं है। हो सकता है इस प्रकार के विचार आपके मन में आज आ रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, अपने पति पत्नी के लिए। परंतु मैं इस सुबह में मेरे प्रिय भाई बहनों आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप दोनों एक दूसरे से दूर रहें, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, आपका रिश्ता कमज़ोर हो, आपका रिश्ता टूट जाए। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर नहीं चाहते, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के करीब रहें। परमेश्वर आपके परिवार को तोड़ना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर आपके परिवार को टूटता नहीं देख सकते, परंतु दुष्ट चाहता है कि पति पत्नी एक ना हो, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो, उनका रिश्ता टूट जाए, उनके परिवार टूट जाए और आप परिवार की खुशियों से वंचित रहें, उन आशीषों से वंचित रहें, दूर रहें। इसलिए दुष्ट आपके मन में इस प्रकार के विचार लाता है। आप परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर के वचनों में बने रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और एक दूसरे से आपको अलग नहीं होना है, बल्कि दुष्ट को उसी टाइम उसी घड़ी डांटना है। और जब एक दूसरे से लड़ाई हो रही है पति पत्नी में, तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख बैठ जाना है। मेरे प्रिय भाई बहनों दुष्ट उसी टाइम हार जाएगा और आप एक मन के हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन से जानेंगे, और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। इफिसियों की पुस्तक उसका 5:12, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आमीन। और इसकी 25 पढ़ेंगे, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने अपने आप को उसके। परमेश्वर का वचन कहता है पत्नियों से, हे पत्नियों अपने अपने पति का आदर करो। और पति के लिए परमेश्वर का वचन कहता है अपनी पत्नी से प्रेम रख। तो मेरे प्रिय भाई बहनों आपको अपने पति से और पति को अपनी पत्नी से दूर नहीं होना है, बल्कि पति को अपनी पत्नी का आदर करना है और पति को अपनी पत्नी से प्रेम करना है, तब आप साथ साथ अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं।
अति पवित्र परमेश्वर, करुणा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर आपकी बढ़ाई करते हैं। थैंक यू जीजस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी इस प्रार्थना में जितने भी जन परमेश्वर उपस्थित हैं, परमेश्वर जुड़े हुए, मेरे परमेश्वर प्रभु आशीषित करें मेरे खुदा, बच्चे बूढ़े जवान परमेश्वर हर एक जन को प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा छुए, प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करें परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका सहायक जो प्रभु आपने हमें दिया हुआ है हर घड़ी हर समय परमेश्वर प्रभु, हमारे पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी आज परमेश्वर जो पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे परमेश्वर प्रभु, एक जन तेरी होली स्पिरिट तेरी पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे। थैंक यू लॉर्ड जीजस, धन्यवाद पिता। प्रभु जी सुबह में परमेश्वर प्रभु आपने हमें इस दिन को दिखाया और जीवित रखा प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर जैसे प्रभु आपने हमें अब तक संभाला, ऐसे प्रभु आगे भी हमारी अगुवाई करें, पूरे दिन को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जब भाई बहन प्रभु किसी काम से बाहर जाते हैं, अपने ड्यूटी जाते हैं परमेश्वर अपने काम के लिए, मेरे खुदावन प्रभु आपकी आशीष परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा इनकी अपने लोगों के लिए परमेश्वर आज के दिन में प्रभु अद्भुत इंतजाम करें, हर एक दुर्घटना हर एक बुरी बात से परमेश्वर बचा कर रखें, हर एक रोग हर एक दुर्बलता से प्रभु जी छुटकारा दे मेरे प्यारे पिता। प्रभु हर एक के जीवन में काम कर ताकि प्रभु तेरी अद्भुत गवाही धन्यवाद के साथ दे सके मेरे परमेश्वर, और वो धन्यवाद भेंट परमेश्वर वो गवाही आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु जी आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप अपने लोगों को परमेश्वर करेक्ट करते हैं, अपने लोगों को परमेश्वर सही करते हैं, उन्हें सही मार्ग पर लेके आते हैं, उन्हें प्रेम सिखाते हैं मेरे प्यारे पिता, और आप अपने वचन से बातचीत करते हैं प्रभु जी, जो इनकरेक्ट हो गए हैं वो करेक्ट हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु जी आपका वचन उनके जीवन में काम करे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन प्रभु जी विवाह के बंधन में बांधे गए हैं और दुष्ट परमेश्वर उन्हें अलग करना चाहता है मेरे परमेश्वर, लड़ाई झगड़े कराता है प्रभु, प्रभु मनों में गलत सोच लेके आता है, शक के द्वारा में मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा उन रिश्तों को प्रभु जी तोड़ना चाहता है, इनके बीच में दूरियों को लेके आता है परमेश्वर, कमियों को बार बार दिखा रहा है परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज हर एक पति पत्नी के जीवन में परमेश्वर उन कमियों को प्रभु में शक की बातों को उन उस गलत नज़रिए को परमेश्वर बदल दे मेरे खुदा यीशु के नाम में, हर एक दुष्ट के काम को यीशु के नाम में हम दूर करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आपने मेरे खुदा हर एक रिश्ते को बनाया है प्रभु जी, इन भाई बहन का रिश्ता प्रभु आपकी ओर से बना है जिसे परमेश्वर कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि प्रभु जिसको आप जोड़ते हैं जिस रिश्ते को आप बनाते हैं प्रभु जी उसे कोई अलग नहीं कर सकता प्रभु, ने तूने एक किया है प्रभु, दुष्ट के हर एक बात हर एक हथियार इनके जीवन में परमेश्वर सफल ना होने पाए प्रभु जी, को सही करता है परमेश्वर, सामर्थ्य भरता है प्रभु जी। आज आपके वचन के द्वारा इनके अंदर प्रेम आया है, एक दूसरे से परमेश्वर ये प्रेम करने वाले बन जाए प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना, और परमेश्वर जिस रिश्ते को प्रभु आपने जोड़ा मेरे खुदा उनको परमेश्वर प्रभु आपने वचन के द्वारा परमेश्वर उन्हें उत्साहित किया है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक जन को हर एक भाई बहन को हर एक जोड़े को परमेश्वर, हर एक पति पत्नी को परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम में, परमेश्वर आशीष मिलने पाए मेरे खुदा, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन आमीन आमीन।